नमस्कार दोस्तों, निफ्टी चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फिर निफ्टी में रेजिस्टेंस बना हुआ है, वही 20,079 का। 20,000 के डिप को आज बाय किया गया बार बार, और ऊपर 20,080 पे प्रॉफिट बुकिंग आती रही। तो इसमें हमें कोई खास ट्रेड नहीं मिली, क्योंकि मैंने कहा था 20,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो तो ये 20,000 के नीचे सस्टेन नहीं हुई, मार्केट इसके ऊपर ही बनी रही और कोई ट्रेड हमें इसमें खास नहीं मिली। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं रुपये पर। देखिए, रुपया मैंने आपको बताया हुआ है कि 82.94 इसके आसपास ही सेल करना है, वैसे सेल नहीं करना, और नीचे 82.22 के आसपास ही बाय करना है, वैसे कुछ नहीं करना। इस टाइम रुपया नो ट्रेड जोन में है, कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लेनी। तो आइए अब कुछ अच्छे से स्टॉक देख लेते हैं, और उसको आपकी स्टडी के लिए बताते हैं कि आपको कौन कौन से स्टॉक स्टडी करने चाहिए जो ब्रेकआउट वगैरह दे रहे हैं। REC लिमिटेड ये ब्रेकआउट दे चुका है, और काफ़ी हद तक काफ़ी ऊपर बना भी हुआ है। जब इसने ब्रेकआउट दिया था वो कौन सा लेवल लेवल था, 205, और उसके ऊपर लगातार ये बना भी हुआ है। थोड़ा मैं डेली कैंडल लगाता हूँ, ये आपको ज़्यादा दूँ तो लगातार ये ऊपर की ओर बना हुआ है। 205 के ऊपर नेक्स्ट ब्रेकआउट दिया है, और अब 226, 240, 248 ये मैंने ऊपर के रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए, आप भी इसको स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो स्टडी करने लायक है वो है सिंजिन। सिंजिन ने भी आज राउंडिंग पैटर्न पर ब्रेकआउट दिया है। राउंडिंग पैटर्न कहाँ कंप्लीट हो रहा था इसका, 828 पे, तो 828 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। 848, 859, 882, 918, 939 ये इसके राउंडिंग पैटर्न के ऊपर रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। और बिरला सॉफ्ट स्टडी करने लायक स्टॉक है, इसको भी आप देख सकते हैं कि 435 के ऊपर इसने भी राउंडिंग पैटर्न, इसे छोटा सा राउंडिंग पैटर्न नन्ना सा बनाया है। वैसे तो ये बेसिकली पीनट फ्लैग के ऊपर इसका ब्रेकआउट आया हुआ है, और रेगुलरली ब्रेकआउट चल रहा है। और मैंने इसको बिरला सॉफ्ट को पहले भी 398 के ऊपर बताया था आपको, और 435, 462, 469, 478 और 488 ये ऊपर के रेजिस्टेंस है, तो इसको आप स्टडी कीजिए। अब आते हैं फिन निफ्टी पर। देखिए, फिन निफ्टी की सबसे पहले तो ऑप्शन चेन देखते हैं। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कहती है कि 20,000 तक के डिप को बाय करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, और 20,100 के आसपास और 200 के आसपास आपको शॉर्ट करना चाहिए, और या फिर इस यहाँ पे पुट बाय करनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं। हमने क्या करना है, 20,000 तक के डिप को बाय करना है, बाय कॉल हेयर। यहाँ पे कोई भी डिप आए आपने, मतलब कि क्लोजिंग यही हुई है, आप कहोगे डिप कहाँ से आएगा, मतलब यहाँ पे अगर फ्लैट भी खुल जाए तो आपने बाय करना है 20,000 के ऊपर ऊपर ही। 5-5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज होनी इसके ऊपर जरूरी है, तभी बाय करना है। और नीचे 19,980 का रखना है स्टॉप लॉस। अगर ये टूटा तो पुट ले लेना 20,000 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रहेगा 19,957, 920 और 900। 900, 920 के आसपास फिर से कॉल बाय करनी है, क्योंकि यहाँ पे 50 EMA भी है। वापस आपको मिलेगा 957, 980 और 20,000 ऊपर की ओर। जब यहाँ पे आप कॉल लेंगे तो ऊपर 20,058, 89, 127, 150, 164 मिलेगा। ये 150, 164 यहाँ पे है 20 EMA और 10 EMA, यहाँ पर आपको पुट बाय करनी। क्यों पुट बाय करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे मुंडी घूमी हुई है नीचे की ओर। जब जब भी 20 EMA, 10 EMA नीचे की ओर मुंह किए हुए हैं तो तब ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपने पुट बाय करनी है, स्टॉप लॉस रखना कोई 20,188 का, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और नीचे आपको वापस 127, 89, 63, 20,033 और 20,006 वापस मिल सकता है। फिर यहाँ कॉल ही बाय करते रहना आपने, अगर यहाँ से कोई टिप आता है, मतलब यहाँ ये ट्रेडिंग रेंज भी आपके लिए कल को मिल सकती है 20,000 से लेकर 20,150 के बीच। अगर ये ट्रेडिंग रेंज टूटती है ऊपर की ओर तो आपने कॉल ले लेनी है 20,188 के ऊपर, और फिर आपको मिलेगा 20,279 और 300। जैसे ही ये आए यहाँ पे आपने पुट बाय करनी है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे पुट बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस रहेगा 20,000
300 क्रॉस होगा तो फिर से कॉल लेनी है और फिर ऊपर के लेवल टेलीग्राम पे बता दिए जाएंगे। मतलब अभी 20,000 के डिप को बाय कीजिए और 20,150 के आसपास सेल कीजिए फिन निफ्टी को, मतलब पुट बाय कीजिए, और 20,188-200 निकले तो फिर से कॉल बाय कीजिए, फिर आपका स्टॉप लॉस होगा 20,150 या 120 भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस, और ऊपर टारगेट 20,280 रहेगा। तो ये था कंप्लीट ट्रेड सेटअप फिन निफ्टी का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।